Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Madam Speaker Sahib. Mera tariqi al-tawata, mare jamiyat ke panjgur ke Mauli Abdullahi Sahib ko shaheed kiya 26 tarikh ko. Aur usi din police ke awaldar Nasir Ahmad ko bhi shaheed kiya hai. Mara panjgur ki halat, Madam Speaker Sahib, din ba din kharab hota ja raha hai. पंजगुर ने पूरा बलूचिस्तान में हर जगह में आप देखें यही टारगेट किलिंग बंदों को शहीद करना बंदों के लाशें फेंकना मैडम स्पीकर साहब साहिबा कुछ अरसा पहले नाग में भी प्रोफेसर अब्दुल खालिक रेकी को शहीद किया गया तुरबत में बरकत नेशनल पार्टी का मरकजी रहनुमा है कातला नामला के वो बच गया और चमन में मैडम साहिबा जमीयत नजरियाती के रैली था सात बंदे वहां पे शहीद किया आखिर कब तक लाशें उठाते रहें ये बलूचिस्तान का हाल है कि बलूचिस्तान हर डिस्ट्रिक्ट में जहां खून के खून बहते जा रहे हैं बहरहाल बलूचिस्तान के जिम्मेदार कौन है हमारे गवर्नमेंट बलूचिस्तान के बिल्कुल नाकाम हुए हैं काश अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वज़रा कल सेक्रेटरिएट में थे ऐसे भाग रहे थे इस सेक्रेटरी के पास थे जल्दी करें हमारे PC1 सिग्नेचर करें हम इस्लामाबाद जा रहे हैं दूसरे सेक्रेटरी के पास जा रहे थे मिनिस्टर वगैरह जल्दी करें हम इस्लामाबाद भाग रहे हैं हमारे PSDP आ रहे हैं शेम की बात है मैडम साहिबा आप PSDP के लिए ऐसे भाग रहे हैं इस्लामाबाद में आप इस बलूचिस्तान के अमन अमान के बारे में आप इलाकों में जाते इलाके के अमन अमान को बरकरार करते तो फिर आपको कहते थे वाकई आप वजीर हैं आप दबीर हैं आपको मराद मिल रहा है बिल्कुल नौशजान है मगर ये हाल है मैडम साहिबा ये वज़राओं का हाल है ये गवर्नमेंट का हाल है कहाँ जाएँ बग़ैर रोने का और कोई सहारा नहीं है मैंने रात को सोशल मीडिया में देखा हमारे मोहसिन बलूचिस्तान मीर असदुल्ला साहब ने अपने DPO के ख़िलाफ़ पंजगुर में दिया था एक मिनिस्टर कि पंजगुर का है DPO उसका कहने पे नहीं है तो ज़ाहरी बात है उसका दिल दर्द करता है पंजगुर के अवाम उसके उसके पंजगुर के अवाम को अवाम उसके बंदे हैं अवाम की खातिर वो आज मिनिस्टर हैं ज़ाहरी बात है उसने DPO के ख़िलाफ़ नहीं कहेगा इसी असेंबली फोरम में या सोशल मीडिया में कहाँ कहेंगे एक मिनिस्टर इतना बेबस है कि एक उसके हल्के में DPO DC आप बेचते हैं उसको पूछते भी नहीं है फिर कहते हैं लाश उठा रहे हैं लाश उठा रहे हैं इसी तरह से नालायक आते हैं नुमाइंदे को नहीं पूछते हैं और लाजिम बात है लाश उठाया जा रहा है ये हाल है मैडम साहिबा स्पीकर साहिबा हमारे ज़िया साहब आप हमारे भाई हैं आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जुर्रत दिया हुआ है इस बलूचिस्तान में एक अमन कायम करें बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं दे दें ज़िया जान साहब ओ मिनिस्टर साहब अमन आपने बहाल किया आपने पूरा बलूचिस्तान को आपने तरक्की में ले गया ये PSDP और ये पोल और ये रोडें खुदा रहा ये तरक्की नहीं है अमन अमान आप बाहर मुल्क में जाते हैं हमनो हमान के हवाले पे हम सुकून होता है खाली PSDP नहीं है खाली भाग दौड़ नहीं है काश ये हालत थे देखें कोई नहीं है कल पता नहीं जहाज में सब उठ के चले गए इस्लामाबाद में सब उठ के चले गए अभी सूबाई का भी PSDP आ रहे हैं वो भी इसी तरह अपने हल्कों में हमें अपोजिशन को नज़रअंदाज करेंगे उसी तरह ये PSDP भी अपने नाम पर करेंगे बाबा ये PSDP बलूचिस्तान को भी आपको मुबारक हो मरकज के भी आपको मुबारक हो हमें हम नुहमान बरकरार रखे हमें बस है हमें कुछ भी आप लोगों से नहीं चाहिए खुदा रहा ये बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर रहम करे ये बलूचिस्तान के अवाम कहाँ जाए बाकी मैडम स्पीकर साहिबा मंशियात दड़ा दर्द जा रहे मैं साकी खाने चाहे दालबंदीन में हो चाहे माशकेल में हो चाहे वाशुक और पंजगुर और तुरबत में हो मंशियात की गाड़ियाँ ऐसे जा रहे हैं दिन में 20-30 लैंड क्रूजर मंशियात के जा रहे हैं
یہ کہاں اس کے روک تھام کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ براب چاپ سے لے کر پتہ نہیں یہ تربت سے جاتے ہیں, تربت سے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں, اس کے روک تھام کریں. یہ عوام, یہ مظلوم عوام, یہ اسٹوڈنٹ, یہ نوجوان سارے منشیات میں تباہ ہے. یہ منشیات ایک ایسا لعنتی چیز ہے کہ یہ اس ملک اور اس سرزمین کو تباہ کرنے والے چیز ہے. میں ابھی اپنے بات کو مختصر کرتا ہوں, باقی وزراء بھی اس میں بات کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ جتنے قتل ہوئے ہیں, ہمارے ہوم منسٹر صاحب ضیاء صاحب ان قاتلوں کو گرفتار کریں. اس بلوچستان کے امن و امان کو پہلے سے امن و امان خراب ہوا ہے, برائے مہربانی اس کو امن و امان میں دلچسپی دے دیں. خالی ضیاء جان آپ کا ذمہ داری نہیں, آپ کے کیبنٹ میں جتنے وزراء ہیں بشمول وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب, اس بلوچستان میں کچھ نہیں دے دیں, اس بلوچستان میں امن و امان بحال کریں تو بلوچستان آگے جائے گا, ترقی کرے گا. ورنہ بلوچستان کا حالت یہ حالت رہا, یہ صورتحال رہا, یہ بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جائے گا. پھر بعد میں پشمانی کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہائے ہم نے پہلے کیوں اس امن و امان میں ہم نے کیوں دلچسپی نہیں دیے, ہم نے کیوں اس کے روک تھام نہیں کی. یہ میرے بات ہے میڈم صاحبہ. تھینک یو, شکریہ.